नमस्कार दोस्तों, मकर संक्रांति आने वाली है तो इस उपलक्ष्य में मैं आपको आज तिल के लड्डू बनाना बताऊंगी, वो भी दो तरीके से, एक गुड़ का और एक खोवे से। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने तिल के लड्डू बनाना। तिल के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए गुड़, मावा या खोवा, बूरा, एक चम्मच घी, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और तिल। यहाँ पर मैंने आधा किलो नायलॉन तिल लिया हुआ है, अब हम इसे भून लेंगे। तो मैंने यहाँ पर गैस के फ्लेम को ऑन कर लिया है और अब हम इसे भून लेते हैं। इसे हम मीडियम लो फ्लेम में भूनेंगे। तेज आंच पे भूनने पे ये जल जाता है और इसका जो स्वाद है तिल का वो कड़वापन आ जाता है, तो इसलिए हम इसे मीडियम लो फ्लेम पर भूनेंगे। हल्का ही भूनना है, ये लगभग 5 मिनट भी नहीं लगते इसे भूनने में और ये तैयार हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए तिल हमारा भूनकर तैयार हो गया है। तिल हमने ये देखिए भून लिया था, इसको मैंने दो पोर्शन में कर लिया है, एक से मैं गुड़ का बनाऊंगी और इससे मैं मावे का बनाऊंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले गुड़ का बनाना, क्योंकि मावे के लिए हमें तिल पीसना है। तो इसे मैं थोड़ा सा ठंडा कर लूंगी तब हम इसे पीसेंगे। तो पहले हम गुड़ की चाशनी बनाएंगे। गैस को मैंने ऑन कर लिया है और यहाँ पर मैंने ये देखिए बहुत ही थोड़ा, लगभग 2 टेबल स्पून इसमें हम पानी डालेंगे। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम के करीब गुड़ लिया है, इसे हम डाल लेंगे इसमें और अब हम इसकी चाशनी बना लेंगे गुड़ की। तो देखिए हमारा गुड़ पिघल गया है, अब मैं इसमें लगभग 1 चम्मच के करीब घी डाल दूंगी और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। तो ये देखिए अब हमारा चाशनी बिल्कुल रेडी हो गया है और यहाँ पर ये जो तिल है ये मैं इसे डाल दे रही हूँ। यहाँ पर मैं जो है साबुत तिल डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसे हल्का सा क्रश करके भी डाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मेरा गैस ऑन है और मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। अभी हमारा मिक्स हो गया, मैं यहाँ पर गैस के स्विच को ऑफ कर दिया है। यहाँ पर आप एक चीज का जरूर ध्यान रखिए कि गुड़ की हम कोई चाशनी, मतलब तार की चाशनी नहीं बनाई है, सिंपल हमने बस गुड़ को पिघलाया है और उसमें जो है हम इसको तिल को डाल दिए हैं। ये देखिए हम इसे लगातार चलाते रहेंगे गैस स्विच ऑफ करने के बाद भी, क्योंकि अभी ये गर्म है तो नीचे से जले नहीं। अब हम इसे उठाकर यहाँ रख लेते हैं नीचे और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। अब ये जो है हम इसे गरम गरम ही बनाएंगे, तो इसके लिए हमारे हाथ ना जले, यहाँ पर देखिए मैंने पानी रख लिया है थोड़ा सा और इसमें अपने हाथ को इस तरीके से मैं गीला कर ली हूँ। और हम लड्डू लेंगे, जितना बड़ा आपको लड्डू बनाना है उतना बड़ा आप पोर्शन ले लें और इस तरीके से ये देखिए हम लड्डू तैयार कर लेंगे। हम जब भी लड्डू बनाएंगे तभी अपने हाथ को गीला करते जाएंगे, क्योंकि आप जब इसे ठंडा कर लेंगे अगर तो ये लड्डू हमारे जो हैं वो नहीं बन पाएंगे। तो ये देखिए हमारे गुड़ के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम अपने तिल मावे के लड्डू की तैयारी करते हैं। ये देखिए हमारा तिल अब ठंडा हो गया है, अब मैं इसे पीस लेती हूँ। यहाँ पर जो तिल है हम थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे, एक साथ नहीं पीसेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चिरौंजी ली है, इसको मैं हाथों से क्रश कर लूंगी थोड़ा, ये देखिए इस तरीके से, और अब हम इसमें डाल देंगे इसे। ये हमने यहाँ पर मिक्स ड्राई फ्रूट्स मैंने लिया है, पिस्ता है, बादाम, किशमिश और काजू है। आप जो चाहें वो ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं और अगर नहीं डालना चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर डाल दिया मैंने। यहाँ पर लगभग मैंने 150 ग्राम मावा लिया है, ये भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। ये मावा भी मैंने घर में बनाया है, इसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसको हम हाथ से थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे ताकि ये तिल में जो है वो इवनली मिक्स हो जाए। यहाँ पर मैंने 50 ग्राम के करीब बूरा लिया है, लेकिन मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी कि जितना हमें रिक्वायरमेंट होगी हम उतने ही मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा डाल दिया है, आधा रख लिया है
और अब हम इसे हाथ से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर जो मावा मैंने डाला है उसकी क्वांटिटी जो है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मावा डालना है तो आप ज़्यादा डाल लें और कम डालना हो तो कम डाल लें। तो ये देखिए मेरा इतना पूरा बच गया है और इसमें पूरा जो आप मिक्स करें वो अपने स्वाद के अनुसार कर लें। मेरे यहाँ कम मीठा खाते हैं इसलिए मेरा ये पूरा बच गया है और आप ज़्यादा खाते हैं तो अपने हिसाब से इसमें मिक्स कर लें। और अब हम इसका लड्डू, ये देखिए हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। हम इस लड्डू को एक लड्डू बनाकर देख लेंगे इस तरीके से, ये देखिए। और अगर आपको लग रहा है कि हमारा लड्डू नहीं बन रहा है तो इसमें आप थोड़ा सा मावा या लगभग एक चम्मच के करीब दूध मिक्स मिला लें और फिर उसको अच्छे से मिक्स करके लड्डू बनाएं तो आपका लड्डू आसानी से बन जाएंगे। देखिए इस तरीके से हम सारे लड्डू अपने तैयार कर लेंगे इसके। ये देखिए हमारे तिल गुड़ के लड्डू और तिल और मावा के लड्डू बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है गाइस, तो एक बार आप लोग इसे जरूर अपने घर में ट्राई कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपके लड्डू कैसे बनकर तैयार हुए हैं। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।